छत्तीसगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा 24 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेगा। दरअसल राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। इस दौरान 5000 मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बयान देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन इन 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, मगर आज देश का बेरोजगारी आप दर देख लीजिए, पूरे देश में जहां 8% बेरोजगारी दर है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों योजनाओं के कारण बेरोजगारी दर 0.8% है, पूरे देश में सबसे कम है। इसका मतलब साफ है, हमारी सरकार की नीतियां योजनाएं उपलब्धियों के कारण कम बेरोजगारी दर है।